और कंट्रोल नहीं हुआ तो हो गया। अरे साले तो तुम ईवीएम पर हक देगा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बलमुआ जी का वोटिंग बढ़ाना है, तो यही तुम्हारा स्ट्रेटेजी था वोटिंग बढ़ाने का है? इस साला सिनार की तरह हंस रहा है बेटी, चौसला शर्म नहीं है, हक दिया है वोटिंग पर, आदमी कैसे वोट देगा? एवरीवन, आज हम करने वाले फिर से धर्मेंद्र की एक और कॉमेडी वीडियो का रिएक्ट वीडियो। भले पुरानी है लेकिन वीडियो बहुत मजा आने वाला है, ओरिजिनल वीडियो लेकिन उससे मजे के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार, ढाका न्यूज़ के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं जो गंड कोबरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे हैं, और जो वोटिंग का जो आखिरी चरण है उसका यहाँ पे वोटिंग चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ऐसे तो बहुत आटू झाटू खड़ा है लेकिन प्रमुख रूप से तीन लोग हैं। सबसे पहले हैं बब्बन बलमुआ जो कि बैगन छाप से खड़े हैं और इस क्षेत्र के वर्तमान सांसद भी हैं। दूसरा सतीश सक्कर जी हैं जो बेलन छाप से हैं। तीसरा गैब्रियल कुमार हैं जो कि हथौड़ा छाप से हैं। तो यही तीन प्रमुख हैं, बाकी आटू झाटू तो है ही। तो आइए देखिए जो लोग हैं, बड़ा धूप है जी, तो इसमें खड़े हैं, तो देखते हैं कि लोग जो पोलिंग में हैं उनकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? बब्बन बलमुआ जीतेंगे, और इस पर बैगन छाप पर वोट डालकर सब धुआं धुआं कर देंगे। बब्बन बलमुआ सर हवा में उड़ जाएंगे, सतीश सक्कर ही आएंगे क्योंकि कोई काम किया नहीं, बेरोजगारी सिर्फ बढ़ा है, कोई काम नहीं बढ़ा है। बब्बन बलमुआ इधर फाइनल है, 5 साल संसद में रहे, क्या किए? एक काम बताओ, क्या काम किया? तुम्हें नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कैमरे के सामने बहस मत करो, लड़ो लड़ो, मारो बहनचोद, मारो एक दूसरे को, मारो बहनचोद। ये देखिए ये लोकतंत्र बचाएंगे, इनकी माँ का जो देखो है, घर में साला गांड फटल है, आटा नहीं है, बाप का साला अंड को उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, और ये लोग साला यहाँ पे नेता को अपना बाप बना के बैठे हैं, ये तो हालत है इनका। ये देखिए यहाँ पे लोग भी हैं, बड़ा धूप में यहाँ पे खड़े, बड़े परेशान हो रहे, तो उनसे भी जानेंगे कि हेलो भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? ये जो जीतेगा जीतना चाहिए, जो हार रहा है उसको हारना चाहिए। तो अरे आप किसको जिताइएगा? बलमुआ जी के। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बलमुआ जी यहाँ पे ऑलरेडी 5 साल से सांसद हैं, तो ऐसा क्या काम कर दिया है पिछले 5 सालों में कि आपको लगता है कि उनको जिताना चाहिए? सबके 2 बोतल दिया है, हमको 3 बोतल दिए हैं। तो तुम साला दारू पर वोट बेच देगा जी? अब देखिए हो ही गया है ये सब, और नेताजी बोले भी हैं कि पूरा गांव के वोट दिवाओ, 5 साल तक तुमको दारू का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुम वोट दिवाएगा? एकदम जी जान लगा देंगे सबका वोट दिवाने के लिए। इधर आओ जी, मऊगा आदमी है, देखो अपना जो लोकतंत्र का जो हथियार होता है जो वोट, एक वोट उसको दारू पर ही साला बेच दे रहा है। तो इनके लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है, तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किसको वोट देंगी वो। तो आइए इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं, आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी, का एकदम वही चलता है आदमी के दिमाग में है, महिला तो कहाँ बात करें, इनके दिमाग है नहीं होता है यार। एक व्यक्ति और है, इनसे हम बात करते हैं कि अब बताइए भाई साहब कि यहाँ वोट देने आए हैं आप? जी। तो वोट देने कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से स्पेशली वोट देने आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और दिल्ली से आए हैं आप, तो बताइए कि प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या? प्रमुख मुद्दा है कि शादी नहीं हो रहा है। किसका शादी नहीं हो रहा है? हमारा शादी नहीं हुआ है अभी तक। शादी का क्यों नहीं हुआ है आपका? 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कैंसिल हो रहा है, इसी चक्कर में अगुआ भी नहीं आ रहा है। अब बताइए इस बेरोजगार से कौन शादी करेगा? बहुत दिक्कत है। तो ये बताइए कि अगर कोई नेता वादा करता है आपसे कि उसको वोट दीजिएगा तो आपकी शादी करवा देगा, तो दीजिएगा वोट? एकदम वोट देंगे, और 2-4 को बच्चा पैदा करेंगे, उन्हों से वोट दिलवाएंगे। बड़ा है, देखिए इसकी बातों में दर्द है, इस तरह का बच्चा आपका हो कामना है। अरे कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो गया जी, कुछ यहाँ पे देखिए गड़बड़ सा दिख रहा है। क्या हुआ चाचा, वोट दे दिए? घंटा दिया, वोट देने लायक छोड़ा है कहाँ साला? कुछ ही कुछ हुआ, जाकर देखिए ना अंदर, वोट देने लायक छोड़ा नहीं। कहना कि वोट देने लायक यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जी, क्या हो गया? हक दिया सर। कहाँ हक दिया? ईवीएम पर हक दिया सर। ईवीएम पर हक दिया? आइए देखिए, बड़ा ही कोची क्या है जी, इसको दर ले कोची क्या है जी, हाँ एको बटन छोड़ के बब्बन बलमुआ का सब बटनों पर हक दिया है यहाँ पे, साला नोटा को भी नहीं छोड़ा है, नोटा वाले बटन को भी नहीं छोड़ा है। आपने सुना तो होगा कि बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग बूथ पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे गाढ़ का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग को एक तरफा किया गया है। इस साला कोची किया जी, काहे हगा इस पे, काहे हगा ईवीएम पर? देखिए हम जैसे अंदर आए हमको गो गो करके लाइटिंग लगा, और इतना तेज लगा कैसा लगा पॉइंटे में हो जाएगा, और कंट्रोल नहीं हुआ तो हो गया। अरे साले तो तुम ईवीएम पर हक देगा, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बलमुआ जी का वोटिंग बढ़ाना है, तो यही तुम्हारा स्ट्रेटेजी था वोटिंग बढ़ाने का है? इस साला सिनार की तरह हंस रहा है बेटी, चौसला शर्म नहीं है, हक दिया है वोटिंग पर, आदमी कैसे वोट देगा? ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बटन है, तो जो ना चाहते हो भी उसी बटन को दबाएगा। और यहाँ का जो अभी सांसद है बब्बन बलमुआ, जिसके लिए वो आदमी ऐसा काम किया है, तो अभी चलेंगे उस सांसद से भी मिलेंगे, पूछेंगे कि भाई जो ऐसे कहे कर रहा है तुम्हारा जो समर्थक है, कौची जाओगे वहाँ लेसर आ जाएगा उंगली, साला वोट दो में। इस तरह का देखिए घटना किया है, इतना आदमी जो भीड़ पे यहाँ पे खड़ा है वोट देने के लिए, इस तरह का घिनौना काम कर दिया है, अब इस पर क्या बोले हम? तो चलिए इस पर चल के सांसद जी से भी बात हम करेंगे।
तो अच्छा क्या कर रहे हो जी फोन में तुम? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करके पैसा कमा रहे हो?